सो गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का तो सबसे बड़ा रोग होता है क्या कहेंगे लोग, लेकिन हम जैसा बंदा और आप जैसा बंदा का दिल का सबसे बुरा रोग क्या होता है? दिल का सबसे बुरा रोग एक ही होता है, वो है एक तरफा प्यार। और इस एक तरफा प्यार के चक्कर में हम सब तरसते हुए रहते हैं और हर एक दिन सुबह से लेकर शाम रात तक जितना टाइम पास मिले उतना ही टाइम हम यूज़ करते हैं फेसबुक को, हम यूज़ करते हैं व्हाट्सएप को, और फेसबुक में जाके हम सर्च करते उसका नाम पर चेक करते रहते हैं, लेकिन आखिर में होता कुछ नहीं है। उसको तो पता ही नहीं चलता कि हम उसको प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। और ये है सबसे बड़ा और बुरा रोग। ये बुरा रोग को आपको हटाना है या तो फिर उसको बोल देना है कि हाँ हम तुमको प्यार करते हैं। और इस प्यार के चक्कर में जो जब तक हम तरसते रहेंगे तब तक ही हमका सब कुछ बुरा चलते हुए रहेगा। ऐसा कोई एक चीज़ नहीं है जो ठीक ठाक चलते हुए रहेगा। दुनिया में सबसे जो बुरा रोग होता है वो है एक तरफा प्यार। और एक तरफा प्यार स्टार्ट होता है स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक और उसके बाद में भी चलता रहता है। और इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है? इसको हटाने के लिए पहले आपको जो सारा काम है काम में ध्यान लगाना है, जो सारा आपको अच्छा लगता है, बुरा काम नहीं है, जो काम आपको अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है कि हम ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, आप वो ही करो और वो ही लेके आगे बढ़ जाओ। और जो एक तरफा प्यार का हम बात कर ले तो एक तरफा प्यार मतलब आपको ही पता है, और या फिर आपको नहीं पता उसको पता है कि आप उसको प्यार करते हैं या फिर वो आपको प्यार करते हैं। इसके चक्कर में आप पढ़ोगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे। पहले तो ये तो फिर आप बता दो कि हाँ ठीक है हम तुमको प्यार करते हैं या फिर नहीं करते, वो भी बता दे, शायद वो चलेगा, आप भी समझ जाओगे हाँ ये ठीक है हाँ ये ठीक नहीं है। लेकिन एक बार हो जाए ना ये रोग आपका, एक बार दिल में आ जाए ना और दिमाग में बैठ जाए ना, ये पूरा आपको ख़त्म कर देगा, जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर देगा। मतलब आप समझ सकते हो ये कितना साइड इफ़ेक्ट है इस एक तरफा प्यार का। और आप भी मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं कि एक तरफा प्यार में आप पढ़े हो क्या, और या फिर आप नहीं भी पढ़े हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि एक तरफा प्यार जो होता है क्या ठीक है या फिर ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो होना है वो तो हो ही जाएगा और जो होना नहीं है वो होएगा ही नहीं, आप नहीं चाहोगे तो, आप चाहोगे तो वो तो होगा ही होगा, ये क्या बात है। और इस एक तरफा प्यार के चक्कर में हम आगे भी बहुत सारा बात करेंगे, बहुत बात करेंगे और ऐसा बहुत सोल्यूशन भी ढूंढने का कोशिश करेंगे। आप चाहो और एक तरफा प्यार के बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स करके बता देना, उसका सोल्यूशन हम तो बिल्कुल निकालेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे कि ये क्या होगा और वो क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या है उसका सोल्यूशन क्या है। पहले सोल्यूशन जो है ये बिल्कुल दिल और दिमाग से हटा दीजिए कि एक तरफा प्यार होता ही नहीं है, ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, एक तरफा प्यार कोई होता ही नहीं है। ये तो फिर आप उसको बता दो या फिर वो आपको बता दे कि हम उसको प्यार करते हैं, मैं उसको प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं। और एक तरफा प्यार आप करोगे तो आप मर ही जाओगे, या फिर आप इंसान हो ये शरीर से आप नहीं मरोगे लेकिन दिल से तो मर जाओगे। ये मरने के आगे ये पहले सोल्यूशन ढूंढ लो, क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आपका दिल और दिमाग में क्वेश्चन क्या है वो मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए, और अगला वीडियो ही आपको ये सोल्यूशन मिलते हुए जाएगा। और ऐसा ही वीडियो आगे जानने के लिए और आगे सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए ज़रूर शेयर कर देना। मैं हूँ सहमदीप, आप देख रहे थे दीप टेक टक, सबके लिए सबके चरणों में मेरा दिल से नमस्कार।